हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इंडिया, लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, पार्ट वन, सोशल साइंस बुक, गुजरात बोर्ड, ग्रेड 9 से। इंडिया होल्ड्स अ यूनिक पोजीशन अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये बात सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में इंडिया की भी एक बहुत ही अलग पोजीशन है बाकी सब कंट्रीज के मुकाबले। इंडिया इज अ कंट्री हैविंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इट्स कल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। हमारी जो कंट्री है उसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दूसरा, हमारी जो संस्कृति है वो सबसे पुरानी है। इट हैज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। द कोऑर्डिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ अवर कल्चर हैज नॉट डिस्कार्डेड एनी रिलीजन, रेस और पीपल, बट हैज एक्सेप्टेड देम होल हार्टेडली। जिस तरीके का हमारा एक व्यवहार है, सहयोग करना एक दूसरे से, उस कल्चर की वजह से हमने आज तक कभी किसी को भी, चाहे किसी धर्म का हो, रंग का हो, कैसा भी इंसान हो, कभी उसको जो है डिस्कार्ड नहीं किया, उसका तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उसको पूरे दिल से अपनाया है। Thus, impartiality towards all religion, people and races is the peculiar characteristics of India. इसीलिए बिना किसी भेदभाव के एक पूरे फेयर और जस्ट तरीके से, चाहे धर्म हो, लोग हो, किसी भी रेस के हो, उसके प्रति ये जो हमारी इम्पार्शियलिटी है, ये हमारे इंडिया की खासियत है। दैट इज वाई इंडिया हैज बिकम अ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस। इसी वजह से इंडिया जो है एक ऐसा सांस्कृतिक जोड़ है जिसमें सभी धर्म, सभी जो जातियां हैं वो सब इंक्लूडेड है। इवन दो मेनी नेचुरल एंड मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स हैव टेकन प्लेस, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली कंटिन्यूड हर प्रोग्रेस। कहने को प्राकृतिक तौर पे या इंसानों द्वारा जो भी अभी तक की आपदाएं आई हैं, इंसानों द्वारा क्रिएटेड आपदाएं आई हैं, उसकी वजह से इंडिया की कभी भी तरक्की नहीं रुकी, उसकी तरक्की आज भी जारी है। Their geographical conditions have contributed immensely towards the development and progress of Indian culture. जिस तरह के geographical हालात हैं हमारे, उनका भी एक तरह से कह सकते हैं महत्वपूर्ण योगदान है हमारी कंट्री के प्रोग्रेस में, हमारी कंट्री के विकास में। इंडिया लोकेशन, साइज एंड एरिया। ज्योग्राफिकली इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप ज्योग्राफिकली अगर देखें तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इट एक्सटेंड्स अप टू द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, और इसका जो विस्तार है वो एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न हिस्से तक है। द स्पैन ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड एंड फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जो पूरा एक स्पैन है, जितना इलाका मेन लैंड का कहलाता है इंडिया का, उसका जो नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड में डिस्टेंस है वो आपको यहाँ बताया गया है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज लोकेटेड एट 23 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड एंड डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू पार्ट्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि 23 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पर लोकेटेड है, वो हमारी कंट्री को दो हिस्सों में बांटता है, क्योंकि ये इंडिया से बिल्कुल सेंटर से होके गुजरता है। Its northern part is spread more in the east-west direction. हमारी कंट्री का जो northern part है, वो east-west direction में ज़्यादा फैला हुआ है। The large plains and the Himalayan mountain system are located in this part. जो बड़े-बड़े मैदानी क्षेत्र हैं या जो हिमालय के पहाड़ हैं, वो पूरे के पूरे इस हिस्से में आते हैं। The area to the south of the Tropic of Cancer has a triangular shape and tapers towards the south. जो इलाका साउथ में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, उसका जो आकार है वो ट्रायंगल है और वो कुछ हद तक साउथ की तरफ झुका हुआ है। दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और ये जो है एक तरह से पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। इट इंक्लूड्स द ईस्टर्न प्लेन्स एंड द नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पर ईस्टर्न प्लेन्स आते हैं और कम चौड़ाई वाले जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो आते हैं। The latitudinal as well as the longitudinal extents of India are almost equal, which is about 30 degree. But actually, the length between Kashmir to Kanyakumari is 3,214 kilometer, and from Gujarat to Arunachal Pradesh, the width is 2,933 kilometers. अब longitudinal या latitudinal extent देखें इंडिया की, तो वो almost बराबर है, यानी कि 30 degree. लेकिन जो actual length कहते हैं हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वो है 3,214 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट वेस्ट काउंट करें अपना गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो जो विड्थ है वो 2,933 किलोमीटर है। There is a difference of 2 hours in the local times between the two extreme places, starting from Gujarat in the west up to the Arunachal Pradesh in the east, due to the longitudinal difference. 2 घंटे का लोकल टाइम में फर्क है।
जो बिल्कुल एक्सट्रीम प्लेसेस हैं, अगर हम गुजरात से शुरू करें जो वेस्ट साइड में है, और अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएं जो ईस्ट साइड में है, क्योंकि इनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है। When it is sunrise in Arunachal Pradesh, it is still night time in Gujarat. जहाँ एक तरफ सूरज उगाता है अरुणाचल प्रदेश में, वहीं रात हो रही होती है गुजरात में। The standard meridian of India is 82 degree 30 minutes east longitude. तो हमारा जो standard meridian है इंडिया का, वो 82 degree 30 minutes east longitude है। It passes through 5 states. Its local time is accepted as the standard time of India. अब क्योंकि ये 5 स्टेट से होकर गुजरता है, इसलिए इसका जो लोकल टाइम है वही मान लिया गया है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया। अब पूरा एरिया जो इंडिया का है वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया की रैंक जो है वो 7th नंबर में है पूरी दुनिया में एरिया वाइज। अदर 6 कंट्रीज लार्जर देन इंडिया आर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। 6 और कंट्रीज जिनका एरिया इंडिया से ज्यादा है, उसमें सबसे पहले नंबर पे है रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया। द लैंड एरिया ऑफ इंडिया लाइज इन साउथ एशिया। अब जो लैंड एरिया इंडिया का आता है वो साउथ एशिया में आता है। इन द नॉर्थ लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस आर स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्टर्न एशियन। अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो हमारे यहाँ जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की एक रेंज है वो पूरे सैकड़ों किलोमीटर में फैली हुई है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। दैट इज वाई द कम्यूटिंग विद तिब्बत एंड चाइना इज पॉसिबल ओनली थ्रू पासेस लोकेटेड एट हाई ऑल्टीट्यूड। इसी वजह से अगर तिब्बत या चाइना के साथ जो भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है वो पासिस के थ्रू पॉसिबल है जो कि काफी हाई ऑल्टीट्यूड में है। बे ऑफ बंगाल लाइज टू द ईस्ट, अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड इंडियन ओशन टू द साउथ ऑफ पेनिनसुला इंडिया। अब बे ऑफ बंगाल हमारे यहाँ ईस्ट की तरफ है, अरेबियन सी वेस्ट की तरफ है, इंडियन ओशन साउथ की तरफ है पेनिनसुलर इंडिया के। द सी इज यूटिलाइज्ड एज अ वाटरवे। समुद्र का इस्तेमाल जो है वो वाटरवे के तौर पे किया जाता है। इवन दो द लैंड रूट्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सराउंडिंग माउंटेंस, इंडिया हैज एक्सेप्टेड ऑल कल्चरल एलिमेंट्स अराइविंग फ्रॉम आउटसाइड एंड दीज हैव मर्ज्ड इनटू इंडियन सोसाइटी। अब कहने को जो हमारे यहाँ के लैंड रूट्स हैं उनमें कई बार परेशानी आती है पहाड़ों की वजह से, लेकिन तब भी इंडिया ने जो है जितने भी सांस्कृतिक एलिमेंट्स हैं जो बाहर से आए हैं सबको अपनाया है, और ये सब के सब जो है इंडियन सोसाइटी में मर्ज हो गए हैं। इंडिया होल्ड्स अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इट हैज अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आल्सो। इंडिया की जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और इसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। इंडिया इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। Oceans have contributed immensely in developing mutual relations in ancient times. जो महासागर थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जो एक आपस में relations develop हुए हैं, और ये पहले जमाने से होता आ रहा है। India had trade relations with East Africa, West Asia, South Asia and Southeast Asia since ancient times. तो पुराने जमाने से इंडिया के जो है व्यापारिक तौर पर रिलेशन रहे हैं ईस्ट अफ्रीका के साथ, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से। इंडिया हैड डेवलप्ड कल्चरल एंड कमर्शियल रिलेशंस विद देम ड्यू टू हर लोकेशन। तो क्योंकि इंडिया की जिस तरह की लोकेशन है उसकी वजह से कल्चरल और कमर्शियल रिलेशन इन सब के साथ डेवलप हो पाए। नो कंट्री इन इंडियन ओशन हैज अ लॉन्ग मैरीटाइम बाउंड्री एज इंडिया हैज। कोई भी और कंट्री ऐसी इंडियन ओशन में नहीं है जिसकी इतनी लंबी मैरीटाइम बाउंड्री हो, यानी कि मरीन बाउंड्री हो, जैसी इंडिया की है। ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन द ओशन इज नेम्ड एज इंडियन ओशन, और इसकी लोकेशन की वजह से ही इसको ओशन को नाम जो है इंडियन ओशन दिया है। लोकेशन ऑफ इंडिया अक्रॉस द इंटरनेशनल वाटरवेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब लोकेशन की इंडिया की इंटरनेशनल वाटरवेज के अकॉर्डिंग देखें तो वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। विद द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप हैज रिड्यूस्ड बाय अबाउट 7000 किलोमीटर्स। जब से स्विस कैनाल बना है 1869 में, तब से इंडिया और यूरोप के जो बीच का डिस्टेंस है वो लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गया है। सी रूट्स कनेक्टिंग ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका एंड यूरोप पासेस थ्रू द इंडियन ओशन। वो सी रूट्स जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका से जोड़ते हैं, और यूरोप को, वो सब के सब इंडियन ओशन से होकर गुजरते हैं। द सर्कम अफ्रीकन वाटरवे एंड स्विस कैनाल वाटरवेज पास बाय इंडिया। जो सर्कम अफ्रीकन वाटरवे है और स्विस कैनाल वाटरवे, वो इंडिया से होकर गुजरते हैं। कनाडा एंड यूएसए कैन बी रीच्ड थ्रू द सेम वाटरवे वाया स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड द पैसिफिक ओशन।
जो कनाडा है या यूएसए है उसको पहुंचा जा सकता है इसी वाटरवे को फॉलो करके। कहाँ वाया लेना होगा? स्ट्रेट ऑफ मलक्का और पैसिफिक ओशन। इंडिया हैज कॉन्टैक्ट विद मेनी कंट्रीज सिंस मेनी सेंचुरीज। कई सदियों से इंडिया के बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहे हैं बहुत अलग अलग कंट्रीज से। गुड्स एंड आइडियाज बीइंग एक्सचेंज सिंस एंशियंट टाइम्स। पहले ज़माने से ही चाहे विचार हो चाहे चीज़ें हो उनका आदान प्रदान होता आ रहा है। सिमिलरली कॉन्सेप्ट्स ऑफ उपनिषद स्टोरीज ऑफ रामायण एंड पंचतंत्र थेराप्टिक मेथड्स इंडियन न्यूमेरिकल फिगर्स एंड डेसिमल सिस्टम एटसेट्रा कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ के जो कॉन्सेप्ट हैं उपनिषद के रामायण की पंचतंत्र की कहानियाँ हैं थेरेपीज जिस तरह से होती हैं उनके तरीके हैं हमारे यहाँ की न्यूमेरिकल फिगर्स हैं डेसिमल सिस्टम है ये इसी कारण से दुनिया के कई हिस्सों में पहुँच पाए। इंडिया हैज एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में भी इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। देर आर 29 स्टेट्स एंड अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं।